बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमें आइडिया है, मैं तो लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है और इसके रूट्स कितने होते हैं, 2 ही हैं। हमने एक्सेस 4.1 से देख रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं इसके जो दो रूट हैं वो हमें पता क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मिल जाते हैं। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो दो रूट्स जो होंगे उसकी मैं एक वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a और जो सेकंड होगा बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, और ये प्लस माइनस नहीं लिखना हमने इसको, ठीक है। इसमें से ये रेज कर देता हूँ, ये सिर्फ यहाँ प्लस का होगा या माइनस का होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम दोनों को अलग अलग सपोज कर रहे हैं, माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a और स्क्वेयर रूट, ठीक है। ये दो रूट्स हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अगर हम इन दोनों को सम करके देखें, अच्छा रूट्स तो हमारे पास अल्फा बीटा है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं जी, ए बी एंड सी। अब देखना है कि इनका अल्फा बीटा का ए बी सी से क्या रिलेशन है। तो अगर इनको सम करें, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट ओवर 2a। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे 2a, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट माइनस बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से आपके ये देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा माइनस 2b ओवर 2a विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। तो ये रूट सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला बन गया, इसको मैं कलर चेंज कर लिखता हूँ। तो सम ऑफ रूट्स वो किस किसके इक्वल होता है, माइनस, अब b देखें किसका कोफिशिएंट है, x का, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, अब a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में 4.6 में, ठीक है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए। तो मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख दूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक्चुअली किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के। ये फॉर्मूला हम यूज़ किया करेंगे इस एक्सरसाइज में। सिमिलरली अगर इनको प्रोडक्ट करें, इनको अगर मल्टीप्लाई करें, तो अल्फ़ा बीटा क्या आंसर आएगा, सी ओवर ए, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला यूज़ करके हम एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व कर गए। और अगर इसके मैं उसमें वर्डिंग में लिखूं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट सिंपल कांस्टेंट टर्म आएगी, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ये दो फॉर्मूला रेड में करता हूँ ताकि वो विजिबल रहे। एक ये फॉर्मूला अल्फा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी ओवर ए एंड सम ऑफ द रूट इज माइनस बी ओवर ए, इसको यूज़ करके हम एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 1 जो है ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वेयर, ठीक है। और इस तरह 6 पार्ट्स हैं इसके। इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं,
ये वाला मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन। अच्छा अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब हमें पता है, अब ये जो अभी स्टेप लिखूंगा वो सारे क्वेश्चंस के लिए होगा, ठीक है। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो लेट, अभी लिख लेते हैं इधर, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ 3x² - 2x + 4 = 0। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट क्या आएगा, देयरफॉर सम ऑफ द रूट इज माइनस बी ओवर ए। ये जो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया था, तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये वाला टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, माइनस टू डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2/3। तो सम ऑफ द रूट इज 2/3। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होएगा, सी ओवर ए, और सी ओवर ए का सी के वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ सी इज 4 एंड ए इज 3, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेट तो ये वाला फैक्टर करना है, तो इसको हम लिखते हैं 1/α² प्लस 1/β². हमने इसको इस तरह मैनेज करना है कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा की फॉर्म में आए। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं इसमें कुछ टर्म्स ऐड कर दूँ 2α β, तो मुझे वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ताकि मैं स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ जाए, और जो डिनोमिनेटर है वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ गया। ओके, अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इसको चाहे ये होल स्क्वायर नहीं आ गया अल्फा प्लस बीटा का, एंड माइनस 2α β डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो अभी देखें ये एक्सप्रेशन जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में है, तो इधर वैल्यूज पुट करें, देखते हैं आंसर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3 स्क्वायर, माइनस 2α β की वैल्यू क्या है, 4/3 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें और आंसर फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का क्या आएगा, 4/9 -8/3 एंड डिवाइडेड बाय 16/9 विच इज इक्वल टू एलसीएम, नोमिनेटर में आएगा 9, ये 9 एलसीएम नोमिनेटर का, और ये हो जाएगा 4 - 24 डिवाइडेड बाय 16/9। अब ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा 4 - 24 इज -20, -20/16। तो -20/16 क्या आएगा, -5/4। ये हमें फाइनल आंसर मिल गया। नेक्स्ट पार्ट 3 डिस्कस करते हैं, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ठीक है। तो वो आपके अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट रूट तो वही है, मैं इधर लिख लेता हूँ। एज अल्फा प्लस बीटा इज, वैल्यू क्या थी अल्फा प्लस बीटा की चेक कर लेते हैं, 2/3 एंड अल्फा बीटा इज 4/3, चेक कर लें, हाँ जी 4/3। तो हमें चाहिए अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो इसको हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर। हमारा टारगेट क्या है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्रोडक्ट की फॉर्म में शिफ्ट करना है इसको। अब इसमें मैं कुछ टर्म्स ऐड सेपरेट कर रहा हूँ, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन 2α² β² -2α² β², ताकि ये फर्स्ट जो है ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2, ये वाला 2α² β², तो इसको मैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये प्रीवियस पेज पे देखिए, अभी हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बनाई है, वो क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α β। तो उसमें डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, अब अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α β और ये स्क्वायर एंड -2α β². अब वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी, 2/3
2 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 4 बाई 3, तो दिस विल बिकम 8 बाई 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज 4 बाई 3 एंड स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 बाई 9 माइनस 8 बाई 3 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 16 ओवर 9, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32 ओवर 9। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 9 4 माइनस 3 8 3 24 स्क्वायर माइनस 32 ओवर 9। तो ये क्या मिल गया, माइनस 20 ओवर 9 स्क्वायर माइनस 32 ओवर 9। तो माइनस 20 स्क्वायर क्या होगा, 400 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको इधर ही साइड पे कर लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, 81 ये आएगा 400 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 9 2 18, 1 9 27 288। तो 400 माइनस 288 इज 112 ओवर 81। ठीक है जी, ये हमें मिल गया इसका आंसर। नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा 4 5, आप खुद कर सकते हैं, 6 वाला इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा देता हूँ आपको। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो सम एज अच्छा वो जो स्टार्ट वाला ये वाला जो पोर्शन, अगर एग्जाम में तो आपको एक ही पार्ट आएगा ना, तो ये आपने सबने करना है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मैं तो कभी सॉल्व किया इस वजह से वो डायरेक्ट लिख रहे हैं, एज अल्फा प्लस बीटा इज 2/3 एंड प्रोडक्ट इज 4/3। नाउ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, तो अल्फा माइनस बीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके इस तरह कुछ लिखें, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं। अच्छा, तो स्क्वायर ओपन कर दें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड स्क्वायर रूट, एंड दिस वन इज अल्फा प्लस बीटा। नाउ अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये अभी हमने पहले भी सिंप्लीफाई किया, तो इसको मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और एक ये वाला माइनस 2 अल्फा बीटा है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा तो आपको ये फॉर्मूले से मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला दूसरा जो पहले से मौजूद है वो वाला अल्फा बीटा है, इनटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं स्टार्ट में लिख लूँ, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है जी, ये देखिए सारी वैल्यूज अब अल्फा बीटा सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई हैं। तो अब हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज 2/3 स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा इज 2/3, 2/3 स्क्वायर इज 4/9 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 16/3 विच इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट, एलसीएम इज 9 4 माइनस 48 3 3 16 48 2/3 4 माइनस 48 इज माइनस 40/9। तो ये वैल्यूज क्या मिल गई आपको, 40 नहीं है ये 44, अच्छा ये मिस्टेक कर गए हम, इसको रिमूव कर लेते हैं, ये 44 आएगा ना यहाँ पे 44। तो दिस वन विल बी 2/3 44, डिनोमिनेटर तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, वो तो 3 हो गया। 44 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 11 सॉरी 4 मल्टीप्लाई बाय 11 2 मल्टीप्लाई मीनिंग 4 मल्टीप्लाई बाय 11 4 इंटू 11 स्क्वायर रूट। अब ये जो माइनस है उसको हम लिख लेते हैं एओल्टा, तो ये होएगा 2/3 3 9, ये स्क्वायर रूट
फोर जो है वो टू निकल आएगा बाहर, तो स्क्वायर रूट 11 आयोटा। तो फाइनली आंसर इज 4 स्क्वायर रूट 11 बाय 9 आयोटा। ठीक है जी, तो बाकी जो दो पार्ट है वो भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन टू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अक्सर एग्जाम में आया होता है, तो उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टू, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी देन प्रूव दैट दिस। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, 1 माइनस सी की इक्वल है। तो चेक करते हैं, ये जगह क्वेश्चन आ गया, तो पहले इक्वेशन लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो देयर फॉर सम ऑफ द रूट क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए विच इज इक्वल टू, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी, तो ये पॉजिटिव पी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू पी। सिमिलरली प्रोडक्ट इज सी ओवर ए, और सी की वैल्यू ये इस वक्त माइनस पी और माइनस सी है, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा माइनस पी माइनस सी डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर क्या आ गया, माइनस पी माइनस सी। नाउ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, हमें एक्चुअली ये वाला ड्राइव प्रूव करना है, तो इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं उसके लेफ्ट साइड को, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है जी पी, और अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्या है, माइनस पी माइनस सी। अब ये देखें, पी प्लस पी और माइनस पी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस सी, और इधर क्या है, 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा, यही हमें शो करना था। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए जस्ट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करें और आपका प्रूव हो जाएगा।